हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल माय सुपर ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का जो वर्कशॉप, और यहाँ हमारा एक्सीवेटर और इधर ग्रेडर का काम चल रहा है। ग्रेडर का थोड़ा ब्लेड का लॉक सब है जो खराब था, इसलिए उसका काम किया जा रहा है। अगर हमारे मशीन का बॉकेट का काम हो रहा है, बॉकेट फट गया था। और ये टायर, यहाँ पे टायर रिपेयरिंग होता है। देखिए दोस्तों, अपने ग्रेडर का काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बॉकेट का काम होगा। बॉकेट हमारा फट चुका था, देख रहे हैं, बॉकेट फट गया था। इसमें फिलेट लगाया गया है। ये हमारे छोटू उस्ताद वेल्डर है। चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वर्कशॉप का आपको आज पूरा अपडेट दिखाएंगे। काम चल रहा है वर्कशॉप में। ये वाला केबिन इंजन मिस्त्री का है। यहाँ पे वेल्डिंग और कमानी और मोटर इलेक्ट्रिक जो है एसी इलेक्ट्रीशियन, और उसके बाद यहाँ पे टायर फिटर वाले का गैरेज है पूरा। चलिए दोस्तों, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको दिखाते हैं इसका फुल फॉलो हमारे वर्कशॉप का। ये डोजर अपना काम हो रहा है। देखिए दोस्तों, इधर अपना डोजर का सर्विस हो रहा है। ये इरफान है, अपना टाइट कर रहा था वहाँ। ये देखिए दोस्तों, हैड्रा का सर्विस हो रहा है। हैड्रा में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसको ठीक ठाक किया जा रहा है हमारे मैकेनिक के द्वारा। इधर सामने ये लोडर भी ब्रेक ऑन है। फोकस करो, फोकस करो। यहाँ पे एक्सीवेटर ऑपरेटर वो वाला मशीन चलाते हैं। वो तो देखिए, एक 215 आ चुका है हुंडे का। अभी इसको यहाँ पे अनलोडिंग किया जाएगा। ये क्रेन है, यहाँ पे मोबाइल क्रेन। अभी इधर एक्सीवेटर है, लोडर है। हमारे वर्कशॉप में बहुत सारी अभी मशीनरी खड़ी है। ये नया मशीन आया है। दोस्तों देखिए, मशीन अपना आ चुका है और इसको अभी अनलोड किया जाएगा। दोस्तों देखिए, अनलोडिंग हो चुका है अपना मशीन। ऑलरेडी अनलोडिंग हो चुका है मशीन। चलिए दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आपको आज वर्कशॉप का पूरा अपडेट दिखाएंगे। देख रहे हैं, हमारे मेगा कंपनी का वर्कशॉप है जो जम्मू में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। पैकेज 14 में उसी में हम लोगों का ये काम चल रहा है। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा कैंप है। चलिए, आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। देख रहे हैं, यहाँ पे बॉकेट सब रखा हुआ है अपना। ये 380 का बॉकेट है। ये दोस्तों, अपना बॉकेट का इधर काम चल रहा है। इसी तरह प्लेट ये साइड में भी लगेगा।
तो लग गया है, देर लगेगा। दोस्तों ऑलरेडी मॉकेट अपना रेडी हो चुका है, अपने मशीन का यहाँ व्हाट्सअप में मेंटेनेंस हो रहा था, तो यहाँ से फिर मशीन लेके जाया जाएगा दूसरी तरफ। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, फिर मशीन ट्रेलर पे लोड होगा, उस पर चलेंगे साइड पे। अभी ये मशीन का वेल्डिंग का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये अपना मशीन है। आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो पर बने रहें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा वर्कशॉप था दोस्तों, वेल्डर्स वेल्डिंग कर रहा है, अपना वर्कशॉप कैरियर है, देख रहे हैं वेल्डिंग का काम ऑलरेडी चालू है। उधर से थोड़ा थोड़ा मशीन दोस्तों, अपनी मशीन गैरेज से आ चुकी है इधर उज में, और यहाँ उज में अभी पानी निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये देख रहे हैं गड्ढा, ये गड्ढा को हम लोग अभी कटिंग करेंगे। अभी पानी निकल रहा है, यहाँ देखिए कितना प्रेशर में पानी निकल रहा है, कि पैप का डिस्कोडेंस चल रहा है। और इधर हमारा सनी का 380 मशीन है, अभी इसको रेम बना के हम लोग चेक कर रहे हैं कि पानी अभी इसमें कितना डीप में पानी है। अभी यहाँ मशीन से देख रहे हैं, मोटर उठा के रखा गया है, उसके नीचे में मोटर लगा हुआ है, और ये पैप के थ्रू पानी हम लोग निकाल रहे हैं। दोस्तों अपना काम वेल्डिंग का जो चल रहा था गैरेज में, अभी वेल्डिंग का काम करके और उसके बाद हम लोग ट्रेलर पे लोड करके लेके आ गए। आपको ट्रेलर पे लोड करने के टाइम का नहीं दिखा पाए दोस्तों। और ये है उज रिवर अपना, यहाँ देख रहे हैं पानी का रफ्तार, ये पानी पूरा उधर जो पहाड़ सब दिख रहा है, वहाँ एक डैम है, बारिश में पूरा पहाड़ का पानी डैम में आता है, डैम से पानी ये रिवर से होते हुए और इधर की तरफ, यहाँ से 6-7 किलोमीटर पे पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ से पानी उधर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। ये हमारा ये दो ब्रिज पहले से पुराना है, और ये नया वाला जो देख रहे हैं ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के लिए ये ब्रिज का काम चल रहा है दोस्तों। एक ब्रिज और अपोजिट में बनेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मशीन, देखिए पानी कितना डीप में है दोस्तों, पानी है। अभी इसको साफ करके ये मोटर को, मोटर यहाँ पे है अभी साइड में, अभी शिफ्ट करके हम लोग मोटर उधर शिफ्ट करेंगे दोस्तों। आज का कल जब पानी पूरा कम हो जाएगा तब कल फिर एक ब्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हम लोग इस कटिंग करके काम चलेगा। यहाँ पे कटिंग होगा अच्छे से, 11 मीटर डीप कटिंग होता है। ये जो पिलर देख रहे हैं इसी तरह पिलर, हमारा नया जो पिलर देख रहे हैं इसी तरह 11 मीटर कटिंग करने के बाद पिलर अच्छे से तैयार होकर निकाला जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग कंटिन्यू हमारे ब्लॉग को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमें कमेंट करें, लाइक करें। आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।